हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। और गाइस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है। और दोस्तों, उम्मीद है कि आप आगे भी हमारे साथ इसी तरह से अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। आज की वीडियो है यहाँ पर 6000 रुपये के अंदर टॉप 5 स्मार्टफोन्स की। तो गाइस, अगर आप रोज़मर्रा के लिए कोई स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं, या फिर आप एक नॉर्मल यूजेस के लिए कोई स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं, या गाइस आप चाहते हैं एक बेसिक सा फ़ोन, या फिर आप चाहते हैं एक सेकेंडरी स्मार्टफोन, और या गाइस अगर आप चाहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए या फिर किसी ऐसे पर्सन के लिए जो कि एक बेसिक सा स्मार्टफोन यूज़ करना चाहता हो, तो दोस्तों आप इन स्मार्टफोन को ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। आज हम आपको यहाँ पर 5 ऐसे स्मार्टफोन बताएंगे जो कि आपको 6000 रुपये के अंदर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको यार काफ़ी अच्छी डिस्प्ले, बैटरी बैकअप, कैमरा भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी डिसेंट सी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं गैजेट न्यूज़ हिंदी। गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे यार यहाँ पर एक ऐसा स्मार्टफोन जो आपको डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, और वो है कार्बन की तरफ से कार्बन टाइटेनियम S9 प्लस। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है यहाँ पर आपको मिल जाती है 3000 mAh की बैटरी, 2 GB RAM, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, 6 इंच की आपको यहाँ पर HD+ की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। और गाइस, सबसे अच्छी बात है यार, यहाँ पर आपको बैक में 8 MP और फ्रंट में आपको 2 MP का सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों 6000 रुपये के अंदर काफ़ी डिसेंट सा फ़ोन है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी भी आपको यहाँ पर दी गई है। तो अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर से इस फ़ोन को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर गाइस अगले फ़ोन की यार। तो अगला फ़ोन है यहाँ पर आइटेल की तरफ से आइटेल A48। ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों, डिज़ाइन वाइज यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया गया है। दोस्तों आपको दोनों ही स्मार्टफोन जो कि मैंने पहले बताया दोस्तों, कार्बन टाइटेनियम S9 प्लस और आइटेल A48, दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। दोस्तों ये भी एक काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी है, आपने इन्फिनिक्स का नाम सुना होगा, इन्फिनिक्स का को ब्रांड है दोस्तों आइटेल। तो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर इसमें भी फ़ोन्स देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर गाइस इस फ़ोन की। तो यार यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन के तौर पे यहाँ पर आपको 6.1 इंचेस की HD+ की डिस्प्ले दी गई है, 5 MP का आपको फ्रंट और बैक कैमरा देखने को मिल जाएगा गाइस, 3000 mAh की बैटरी आपको यहाँ पर दी गई है गाइस, बैकअप भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा कम से कम 1 से 1.5 दिन का। और मैं बात करूँ यहाँ पर रैम और स्टोरेज की गाइस, तो यहाँ पर आपको मिल जाती 2 GB RAM, 32 GB के इंटरनल स्टोरेज, और अगर आप चाहें तो इस फ़ोन की स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं 128 GB तक। दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी डिसेंट सी स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा 6000 रुपये के अंदर। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर से एक बार इस फ़ोन को देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है यार, तो वीडियो को भी ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। और हाँ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं, तो दोस्तों आप उनकी नोटिफिकेशन को मिस ना कर दें। चलिए बात करते हैं यहाँ पर गाइस अगले स्मार्टफोन की। तो अगला स्मार्टफोन है दोस्तों यहाँ पर लावा की तरफ से लावा Z62। फ्रेंड्स, अगर आप एक इंडियन स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं इंडियन ब्रांड का, तो आप इस फ़ोन को भी ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी आपको 6 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 8 MP का आपको यहाँ पर बैक कैमरा, 5 MP का आपको यहाँ पर फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर बात करूँ बैटरी बैकअप की यार, तो यहाँ पर आपको मिल जाती है 3380 mAh की बैटरी। तो गाइस बैकअप आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा, और इसी के साथ में यहाँ पर आपको 2 GB RAM, 16 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी गाइस, जिसे आप एक्सपेंड कर पाएंगे 256 GB तक। तो सबसे अच्छी बात है यार, यहाँ पर आपको फ्रंट में सेल्फी के लिए फ्लैश भी दिया गया है। तो अगर आप एक अच्छा स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं सेल्फी और कैमरा के लिए, जहाँ पर आपको डिसेंट सी परफॉर्मेंस मिल जाए, डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा हो, तो ज़रूर से आप इस फ़ोन को भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पर एक ऐसा फ़ोन जहाँ पर आपको यार बैटरी काफ़ी ज़्यादा कमाल की दी गई, डिस्प्ले, कैमरा और दोस्तों परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर यार जियोनी की तरफ से जियोनी मैक्स, ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा 5500 रुपये में। और गाइस यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी 2 GB RAM, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज, जिसे आप एक्सपेंड कर पाएंगे 256 GB तक। लेकिन दोस्तों बात करें यहाँ पर इसके मेन फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिल जाती है 6.1 इंचेस की HD+ की डिस्प्ले, बैक में आपको यहाँ पर डबल सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर मेन कैमरा है दोस्तों 13 MP का, 5 MP का आपको यहाँ पर फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, 5000 mAh की दोस्तों यहाँ पर आपको बैटरी दी गई। तो आराम से आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों बात करूँ परफॉर्मेंस की यार, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी डिसेंट सी देखने को मिल जाएगी। तो गाइज अगर आप एक बेटर स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं, तो गाइज ये जो स्मार्टफोन है यहाँ पर आपको यार परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा काफ़ी अच्छा दिया गया है। अगर आप चाहें तो ज़रूर से इस फ़ोन को भी एक बार देख सकते हैं।
फ्रेंड्स कई सारे ऐसे लोग होते हैं यार जिन्हें सिर्फ सैमसंग का ही फोन परचेस करना होता है, और दोस्तों काफी अच्छी बात है कि आपको यार सैमसंग का भी फोन 6000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सैमसंग M01 कोर की। ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा 6000 रुपए में। यहाँ पर आपको मिल जाएगी 2GB रैम, 32GB की इंटरनल स्टोरेज, और गाइज ये स्मार्टफोन आपको एंड्रॉइड 10 के लाइट वर्जन पर काम करता हुआ दिखेगा, तो काफी अच्छे से आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर इसके मेन फीचर्स की गाइज। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी 5.3 इंचेस की HD+ की TFT डिस्प्ले। दोस्तों कैमरा की बात करूं यार तो बैक में आपको यहां पर 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा और 5 मेगापिक्सल का आपको यहां पर सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। और चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर बैटरी बैकअप की गाइस। तो यहाँ पर आपको 3000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, तो गाइस आपका यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप काफ़ी आसानी से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज भी काफ़ी अच्छा सा स्मार्टफोन है, काफ़ी डिसेंट से आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी 6000 रुपये के अंदर। दोस्तों सैमसंग की तरफ से यार काफ़ी अच्छा फ़ोन है, अगर आप चाहें तो ज़रूर से इस फ़ोन को भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और गाइज अगर आप चाहते हैं यार कुछ और स्मार्टफोन तो हमें कमेंट में ज़रूर से बता दीजिएगा, हम आपके लिए दूसरी वीडियो भी लेकर के आ जाएंगे। तो आई होप दोस्तों यार आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब किया यार तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर के आते रहते हैं, तो यार आप उसकी नोटिफिकेशंस को मिस ना कर दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।